हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दिल से एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, स्क्रीन में देख पा रहे हो, आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना। तो जिस भाई को ऐसा फोटो एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना। तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप भी इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सीख पाएंगे। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते रहते हैं कि यार भैया हमको भी एडिटिंग करना सिखाओ। तो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ बहुत ही शानदार एडिटिंग वीडियो। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी यार एक विनती है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना आपके दोस्तों को। और मैं आपको यार लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा दोस्तों। अगर आपका दिल करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? वरना कोई बात नहीं, बस अब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और इसमें एक प्रीसेट मिल जाएगी आपको, प्रीसेट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा। बस वीडियो को बिना स्किप के फुल वॉच कर लेना होगा, ठीक है? तो कर लेते यार वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं रियल फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों फटाफट से। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, हमारा रियल फोटो सेलेक्ट हो चुका है और फोटो कुछ इस टाइप का है, देख पा रहे हो, ठीक है? फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नीचे सेंड वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। सेंड वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट ही फोटो को सेंड कर देना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है? तो लाइटरूम एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अगर आपको आईडी बनाना नहीं आता लाइटरूम एप्लीकेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कर देना, ठीक है? तो यहाँ से मैं फटाफट से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लेता हूँ। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको सही तरीका बताऊंगा ताकि आप फोटो अच्छी तरीके से एडिटिंग कर पाए। आपको इसी टाइप का फोटो ले लेना होगा, अगर आपके पास थोड़ा सा खराब भी फोटो है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा दोस्तों, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना इस टाइप का एक प्रीसेट मिल जाएगा, देख पा रहे हो, इस टाइप का आपको प्रीसेट मिल जाएगा। ये प्रीसेट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है पड़ेगा आपको मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा इसी वीडियो में। तो जैसे आप प्रीसेट को सिलेक्ट करोगे ना दोस्तों, प्रीसेट को सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको नीचे ऊपर आपको थ्री डॉट में क्लिक कर देना होगा। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा, देख पा रहे हो, यहाँ से कॉपी सेटिंग में आपको क्लिक कर देना होगा। कॉपी सेटिंग में आप जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर एक राइट वाला आइकन देने मिल जाएगा, तो यहाँ से फाइल कर देना राइट में क्लिक। राइट में आप जैसे क्लिक करोगे तो अपना जो रियल फोटो रहेगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद ऊपर थ्री डॉट में क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आपको पेस्ट सेटिंग, पहले हमने क्या किया था कॉपी सेटिंग, अब इसके नीचे जस्ट पेस्ट सेटिंग, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो सो गाइस, वन के लिए हमारा फोटो कितना कमाल का हो चुका है, देख पा रहे हो, यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर फोटो बहुत ही कमाल का हो चुका है, ठीक है? तो फिर इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इस फोटो को आपको ऊपर एक शेयर वाला आइकन देखने मिल जाएगा, यहाँ से आपको शेयर में क्लिक कर देना होगा दोस्तों। शेयर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिर नीचे आपको शेयर में क्लिक कर देना होगा, इसमें आप जैसे क्लिक करोगे थोड़ी देर वेट कर लेना होगा दोस्तों। वेट करने के बाद आपको फोटो को शेयर कर देना होगा यहाँ से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है? तो ये एप्स भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है? तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर हमारा फोटो आ चुका है। आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से आपको टूल्स में क्लिक कर देना होगा। टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से रिसाइज में क्लिक कर देना होगा दोस्तों। रिसाइज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हो 1367, इसमें क्लिक करके एक नंबर और डायल कर देना होगा और आपको रिसाइज में क्लिक कर देना होगा। रिसाइज में आप जैसे क्लिक करोगे नीचे लिखा जाएगा 2830, तो आपको यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट कर देना होगा। और यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको 2830 और रिसाइज में क्लिक कर देना होगा। इससे क्या होता है हमारा जो फोटो ना वो HD में हो जाता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देख ही पा रहे हो, फिर से आपको टूल्स में चले जाना होगा। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख पा रहे हो इस टाइप का आइकन देखने मिल जाएगा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये जो फर्स्ट वाला नहीं सिलेक्ट कर देना होगा दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको बढ़ा लेना होगा इतना, और इसको भी इतना बढ़ा लेना होगा और जूम कर लेना होगा। जूम करने के बाद अपने जो हेयर है ना, इसमें आपको ब्रश को इस तरह से आपको चला लेना होगा, देख पा रहे हो, इसी तरह से आपको ब्रश को अप्लाई कर देना होगा। और जो अपना हेयर है ना वो काफी तरीके से अच्छी तरह से हो भी जाएगा, देख पा रहे हो, यहाँ पर हेयर स्टाइल बहुत ही खतरनाक लग रहा है। और आपको यहाँ से कर देना राइट में क्लिक, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कितना इफेक्ट आ चुका है बिफोर एंड आफ्टर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में कलर करना है, कलर करने के लिए आपको इफेक्ट में क्लिक कर देना होगा, यहाँ पर देख पा रहे हो इफेक्ट। तो आप जैसे इफेक्ट में क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे नीचे फिल्टर देखने मिल जाएंगे, आपको देख सकते हो यहाँ पर इफेक्ट भी ऊपर है, कौन सा इफेक्ट आप यूज करना चाहते हो वो आपको मैं बताऊंगा। तो सिंपली में क्लिक कर देना होगा दोस्तों, और यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें भी कितने अच्छे अच्छे फिल्टर है, यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये दोनों में आपको फिल्टर देखने मिल जाएगा एपेक्स में और इसमें, ठीक है? यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल से कितने भी अच्छे अच्छे फिल्टर यूज कर सकते हो दोस्तों, देख पा रहे हो यहाँ पे अलग ही लेवल में फोटो एडिटिंग हो पा रहा है। तो इस टाइप से आप अपने पेज में कलर टून दे सकते हो दोस्तों और फोटो को एडिट कर सकते हो। यहाँ पर देख काफी मस्त तरीके से फोटो बन रहा है दोस्तों।
तो इसी टाइप से फोटो को बनाया जाता है दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओनली मैंने जैसे बताया वैसे आपको स्टेप फॉलो करना है, बाकी फोटो इस टाइप से बन जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रीसेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर 13 वाले आइकन में क्लिक कर देना, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे से दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। तो आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जो पास में बेल आएगा उसको भी कर देना ऑल में, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते कमाल की एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।